हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास है ये हार्ले 750, फिर से वही बन मेगा फार्म। तो फिर से एक बार आपको चेक कराएंगे क्या दिक्कत निकली। हर बार अलग अलग दिक्कतें निकलती हैं, तो हर बार खर्चे वाली चीज़ निकलती है। देखते हैं इस पर कितने पैसों में हम कितना खर्चा करते हैं, और एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बताएंगे जो हार्ले के अंदर नई नई दिखाई दी है हमें। ओके, तो चलिए गाइस दिखाई देते हैं आपको। हार्ले 750 आई है अपने पास। तो कभी भी आपने इसके अंदर एक चीज़ गौर नहीं करी हुई, फिलहाल तो हमारे लिए सेल्फ के काम के लिए ही, तो आपने देखा नहीं होगा कि हार्ले 750 के सेंटर स्टैंड कंपनी ने सेंटर स्टैंड की जगह दे रखी, पर लोग लगवाते नहीं है। तो हम ये पैडॉक जो सेंटर स्टैंड है ये बना के रखेंगे अपने पास। अगर आपको चाहिए तो हमारे पास मिल सकता है। और फिलहाल हम आपको सेल्फ की आवाज़ चेक कराने लगे हैं इसकी, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो चाबी ऑन करते हैं इसकी, आवाज़ चेक करिए इसके अंदर। ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है ना, तो ये आवाज़ बंद करनी है हमने। तो इसका वन वे खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस चीज़ की आवाज़ है। तो फटाफट इसका वन वे खोलना चालू करते हैं। ओके, सो गाइस ये हमारा मैग्नेट का चैम्बर खुल चुका है अभी इसका कल, और अभी मैग्नेट भी बाहर निकलेगा। पहली बार फर्स्ट टाइम खुला है इसका, ठीक है। तो अब इसका कूलर लेके आते हैं, इसका मैग्नेट निकालते हैं। ये हमारा मैग्नेट तो खुल गया, ठीक है। तो अभी इसके बोल्ट वगैरह खोलते हैं, गरारी भी चेक कर लेते हैं। लगे हाथ खड्डे तो पड़े हुए हैं हल्के हल्के, पर देखते हैं पहले इसके अंदर का हालात क्या है, क्योंकि आपको पता ही है क्या होता है इसके अंदर। पहले इसके हालात भी चेक करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हालात नहीं चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है इसके अंदर। बैरिंग के अंदर बैरिंग टूटा है कि नहीं टूटा, मेरे ख्याल से तो आपको पता ही है क्या होगा, और फिर भी एक बार खोल के इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। निकालो, हम किसी बोगली लगा के फोकस। निकालना जरा इसका, देखें क्या है। इसका ना ये स्प्रिंग जो है ना, ये देख रहे हैं स्प्रिंग कितना लूज हो गया इसका, ये देख रहे हैं कितने ढीले से हो गए। ये इसकी वजह से खट खट की आवाज़ कर रहा, पर इतनी नहीं कि गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो रही थी। अगर इसका हम लेट तक ये खोलते थे स्प्रिंग हमारा बिल्कुल ही टूट जाता, देख रहे हैं ना। ये देख लीजिए गौर से, बाद में ना बोलिएगा कि हमने बताया नहीं था आपको, ठीक है। लेके आना जरा इसका स्प्रिंग। ये इसकी गोलियां निकल गई यहाँ से, नीचे मैग्नेट में चिपक गया था यहाँ पे, तो गोली वापसी लगा के दूसरा स्प्रिंग चढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पता है आउटलाइन जो होती ना आउट हो जाए फिर दिक्कत हो जाती है। नया स्प्रिंग हमारे पास जेन्युइन अवेलेबल होता है, तो हम ये स्प्रिंग डाल के ही काम चला जाते हैं इसका। तो वन खर्चे का जो 15-20 हज़ार रुपये इसमें वन वे के अंदर, हम तो नहीं करते भाई कस्टमर के ऊपर इतना खर्चा, हम ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं कस्टमर से, और एकदम वन पे हमारा एकदम ओके रहता है जब हम डालते हैं। फिलहाल हम ये रिपेयर करेंगे तो रिपेयर के 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हम। फिलहाल तो किसी हमारा भाई है एक जानने वाला जिसकी गाड़ी है, तो स्प्रिंग हमारे पास पड़ा है, तो हमने कहा चल कोई नहीं ओके कर देते हैं। इस स्प्रिंग लगते सारी एकदम वन वे हमारा एकदम ओके हो जाएगा बेहतरीन। ये देखिए हमारा वन वे एकदम ओके हो गया, और ना कोई लूज हो रहा है, देखिए यहाँ से बिल्कुल भी लूज नहीं हो रहा ना। ये पहले यहाँ से देख रहे थे आप कैसे लटक रहा था, अब पूरा पूरा टाइट हो गया। क्या था इसका नया जो सेल्फ मारते मारते जो इसका बैरिंग होता ना बैरिंग, तो ये स्प्रिंग को लूज़ कर देता है। ये स्प्रिंग लूज़ होने की वजह से ये खट खट आवाज़ें मारनी शुरू रहती है। तो अब देखिए हम लगा देंगे इसको, एकदम ओके हो जाएगा।
और फिलहाल हमारा गियर भी इतना कोई कटा हुआ नहीं है, देखिए हल्के फुल्के निशान है, चल जाएंगे। तो चलिए गाइस इसको पैक करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा चेक कराएंगे आपको। ओके, अब इसको फिट कर रहे हैं, नीचे हमने वन में लगा दिया, पेच लगाएंगे इसके सेट करके, यहाँ से लगाना पड़ेगा पेच। एक बार फिर चेक कर लो जरा, एकदम बढ़िया मजा आ गया सर पे हमारे को, कोई आवाज़ नहीं आ रही आपके सामने, फिर दोबारा एक बार चेक कर लें, तसल्ली बख्श है ना, एकदम ओके। तो भाई ये देखा ही आपने हार्ले 750 के अंदर, जो हमने हार्ले 750 के अंदर काम कराया सेल्फ का, तो कितने कम बजट में काम करा हमने, क्या डाला, एक सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग डाला, खर्चा कितना लगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही देख लीजिए, बताइए कितने, 2500 रुपये लगे हमारे तो, सिर्फ ओनली फॉर 2500 रुपये लिए हमने कस्टमर से, और वो भी इतने बड़े नाम से, वो भी हार्ले 750 के नाम से, बताइए कम बजट में करा नहीं करा हमने। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बंदे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, वो सिर्फ वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, तो ऐसा ना करिए, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। ओके चलिए बाय।